According to the words of Aristotle, educating the mind without educating the heart is no education at all. जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल रावत आ गया हूँ आपके सामने इस बार फिर से एक बिल्कुल नई वीडियो को लेके, और जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा लाए गए बिल्कुल नए चेंजेस को। देखिए, CBSE के बारे में हम सभी जानते हैं। CBSE इज़ बेसिकली एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इंडिया के अंदर जो मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स हैं वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। अब देखते हैं कि CBSE पिछले के दिनों से न्यूज़ में क्यों छाया हुआ है। चलिए देखिए, CBSE का अभी जस्ट एक दिन पहले 5 जुलाई 2021 को एक सर्कुलर आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो एकेडमिक ईयर 2021 और 22 के जो स्टूडेंट होने वाले हैं वो इस बार जो बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे वो बेसिकली दो टर्म्स में देंगे। काफ़ी ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आ रही है और वो सभी लोग बोल रहे हैं क्या भैया इस बार दो बोर्ड्स होंगे। चलिए देखते हैं आगे कि क्या है पूरी कहानी। देखिए, बेसिकली अभी क्या हुआ, बीते इस साल में 2021 में जो बोर्ड एग्जामिनेशन हैं ये कंडक्ट नहीं कराए जा पाए। क्यों? क्योंकि जो कोविड की कंडीशन है वो काफ़ी बुरी हो चुकी थी, और उस दौरान बोर्ड ने रिस्क नहीं लिया कि बच्चों को वो एक लार्ज अमाउंट में सेंटर्स पर बुलाएं, और एक इट कुड बी टर्न टू बी अ रिस्की सिचुएशन, थोड़ी सी रिस्की हो सकती थी। अब देखिए, तो अब बोर्ड ने क्या ऑल्टरनेटिव लिया है, बोर्ड ने इस टर्म में बोला है कि यहाँ जो बच्चों की जो एग्जामिनेशन है उनको हम बेसिकली दो टर्म्स में डिवाइड करेंगे। पहली टर्म का नाम होगा टर्म वन और दूसरा होगा टर्म टू। जो टर्म वन होगा, और उन्होंने जो बोला है कि जो सिलेबस है वो इफेक्टिवली 50% डिवाइड कर दिया जाएगा दोनों ही टर्म्स के लिए, और ये देखा जाएगा कि जो टॉपिक्स की जो इंटरकनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो। वो कितनी अच्छी होगी वो मैं आपको थोड़ी देर में पक्का बताऊंगा, और इसका स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो पक्का देखिए, क्योंकि होने क्या वाला है, आपको तो लगेगा कि टर्म वन और टर्म टू होने वाले हैं, लेकिन जो ये टर्म वन और टर्म टू की कंडीशन है ये भी डिपेंड करेंगी कोविड की सिचुएशन के ऊपर। कोविड की सिचुएशन इंप्रूव होती है या और डिग्रेड होती है ये इस पर डिपेंड करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या बोला है उन्होंने कि जो 9th और जो 10th के स्टूडेंट हैं इनके लिए नॉर्मल जो इनके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, एनरिचमेंट्स होते हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सब होती रहेंगी, बस दो एग्जामिनेशन करते जाएंगे टर्म वन एंड टर्म टू, एंड सेम गोज़ विद क्लास 11 एंड 12, इनके भी प्रैक्टिकल्स होंगे, नॉर्मल टेस्ट जो होंगे वो तो होंगे ही, बस एट द एंड ऑफ टर्म वन CBSE बोर्ड एक एग्जामिनेशन होल्ड करेगा टर्म वन के नाम से, एट द एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल CBSE बोर्ड फिर से एग्जामिनेशन होल्ड करेगा एंड उसका नाम होगा टर्म टू। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एग्जामिनेशन में होना क्या वाला है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जो टर्म वन होने वाला है बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि ये नवंबर और दिसंबर के बीच में कहीं ना कहीं कराया जाएगा, 4 से लगभग 8 हफ्ते में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्ज़ाम की जो टाइमिंग रहेगी बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट रहेगी। 90 मिनट के अंदर जो ये पूरा एग्जामिनेशन है ये कन्वेंशनल बेस नहीं रहेगा, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, और एक और फॉर्मेट के क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, दैट इज़ assertion एंड रीजनिंग बेस्ड, जहाँ पर आपको बेसिकली बताया होता है स्टेटमेंट वन इज ट्रू, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, करेक्ट रीजन है, करेक्ट रीजन नहीं है, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की लॉजिकल एनालिटिकल बेस को टारगेट करते हैं, जो पिछले सालों से बोर्ड में आ रहे हैं, कंप्लीटली इस तरह का एग्जामिनेशन रखा जाएगा। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर बच्चों जब आपका टर्म टू होगा, जो आपका जो टर्म टू होगा बेसिकली वो मार्च और अप्रैल के बीच में कराया जाएगा, और उसके अंदर बेसिकली वो जो पेपर है वो 2 आवर्स ड्यूरेशन का होल्ड करेगा, और वो नॉर्मल कन्वेंशनल पेपर होगा जैसे आप पहले से देते हुए आए हो, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर कंडीशंस इंप्रूव नहीं होती हैं, देखिए टर्म वन तो फिक्स है, टर्म वन तो MCQ होना ही होना चाहे कंडीशन कैसी भी रहे, लेकिन बात करते हैं टर्म टू की। टर्म टू की अगर मैं बात करूं, अगर कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है तो जो टर्म टू है बच्चों वो भी आपका 90 मिनट का हो जाएगा, और वो भी MCQ और assertion बेस्ड रहेगा जैसे आपका टर्म वन था। एक मिनट जरा मैं आपके लिए जो बैक स्लाइड है इसको रोल बैक करता हूं, जरा आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये मैं यही आपको बता रहा था कि जो टर्म वन है ये पूरी तरह से assertion बेस्ड होगा, तो यही सेम जो लॉजिक है ये टर्म टू पे भी लग जाएगा अगर कोविड की कंडीशन इंप्रूव नहीं होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि जो असेसमेंट है वो किस तरीके से होगा अलग अलग सिचुएशन में। चलिए सबसे पहली पहला केस क्या हो सकता है, इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल एंड द सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम। अगर कंडीशन सही होती है और बच्चे स्कूल में आ सकते हैं पेपर देने के लिए, तो उनको स्कूल बुलाया जाएगा, और जो उनका टर्म वन है और टर्म टू है उसका जो वेटेज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। अगर दोनों एग्जाम टर्म वन और टर्म टू ऑफलाइन होते हैं तो दोनों का वेटेज इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट्स। अब आते हैं अगले केस के ऊपर। अगला केस ये है, इस केस में क्या है ध्यान से देखिए, पेंडेमिक की वजह से
जो पहला टर्म है वो नहीं हो पाया। मान लेते हैं कि टर्म तो होगा बट स्कूल नहीं खुल पाया, मतलब बच्चे टर्म वन को स्कूल में आके नहीं दे पाएंगे और टर्म टू को दे पाएंगे। टर्म टू जो होगा वो ऑफलाइन होगा। तो इस केस में बच्चों, जो टर्म वन के जो आपके एग्ज़ाम हैं ये आप अपने घर से दोगे, ऑनलाइन होम मोड में दोगे, और जब एनालिसिस बाद में किया जाएगा तो टर्म वन का वेटेज जो कि आपने घर से दिया है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा और टर्म टू के वेटेज को बढ़ा दिया जाएगा। मतलब ये बात आप ध्यान में रखिए, जो एग्ज़ाम आप ऑफलाइन दोगे उसका वेटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और केस। इन अ केस सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्सेज एंड कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल 22 बट द टर्म्स वन एग्जाम। चलिए एक और केस सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि नवंबर में कंडीशन ठीक हो जाए और आपने अपने स्कूल में एग्जाम दिए लेकिन जो आपका टर्म टू है वो आप स्कूल में ना दे पाएं, तब क्या होगा? उस केस में आपके जो टर्म वन की जो इंपॉर्टेंस है बच्चों वो बढ़ जाएगी। देखिए ये सीबीएसई ने ही कहा है कि जो टर्म वन की जो वेटेज है वो बढ़ जाएगी और आपका जो टर्म टू है अगर ऑनलाइन हुआ तो उसकी वेटेज कम हो जाएगी और अगर नहीं हुआ तो उसकी कुछ फिर वेटेज रहेगी नहीं रहेगी। तो सिर्फ टर्म वन और बेसिकली आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस में आपको मार्क्स दे जाएंगे। ये सारा देखिए बच्चों ऐसा है, बेसिकली ये सीबीएसई सारा इसलिए कर रहा है कि पिछले साल काफ़ी सिचुएशन रिस्की हो गई थी और वो लोग एग्ज़ाम बिल्कुल करा नहीं पाए, तो इस बार वो इस चांस में बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम्स को कैंसिल कराया जाए। चलिए अब आते हैं लास्ट केस के ऊपर। इन द केस ऑफ द सिचुएशन द पेंडेमिक फोर्सेज द कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल्स इन बोथ टर्म वन एंड टर्म टू। मान लेते हैं कंडीशन इतनी ख़राब होती है, ना तो नवंबर और ना ही मार्च दोनों में स्कूल नहीं खुलते हैं और दोनों ही जो टर्म हैं वो आपको घर से देने पड़ेंगे, तो उस केस में आपका जो टर्म वन और टर्म टू के जो एनालिसिस हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपरली टेकन अप किए जाएंगे, वेटेज दोनों का लगभग लगभग बराबर होगा क्योंकि दोनों ही मोड क्या है, ऑनलाइन है। तो बस आप एक बात ध्यान रखिए, जो मोड आपका ऑफलाइन होगा उसका वेटेज थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिलेबस को ये लोग इफेक्टिवली रिड्यूस कर देंगे। बट अब बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, जहाँ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन सोचता हूँ सीबीएसई चेंजेस करता है। देखिए समहाउ आई थिंक कि जो सीबीएसई बोर्ड है ये पिछले कुछ 10 सालों से एक बहुत ही अनस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। पहले ये लोग क्लास 10 के लिए सीसी पैटर्न लेके आए, फिर 10 साल में इन्होंने उस पैटर्न को हटाया, 10वीं के ऑलमोस्ट 8 साल के अंदर वो पैटर्न को हटाया, फिर ये बोर्ड लेके आए। व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स, बच्चों की तो कोई सुनता ही नहीं है। अरे भाई बच्चों को आपको अल्टीमेटली पहले से इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, बच्चों को प्रायर नोटिस, बच्चों को कुछ तो पता होना चाहिए। अब सडनली जो इस ईयर के बच्चे हैं, क्योंकि ये जो टर्म एंड टर्म टू है इट इज़ ओनली फॉर 21 and 22 स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, तो दे वर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड। उन्होंने अपने जीवन के 11 साल और 12 साल जिस सिस्टम में काटे हैं वो उन्होंने वही सिखाया कि दे हैव टू गिव वन बोर्ड एंड एट द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल। बट चलो कंडीशन कोविड की हम समझ सकते थे, बट इनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता था, है ना? मतलब इन्होंने इसको इस तरह से टर्म वन और टर्म टू और दो बोर्ड बना दिए कि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर हम लोगों को एग्जामिनेशन का कम करना चाहता अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो बढ़ भी सकता है, ठीक है? बट कहीं ना कहीं हमें जानते, चलो कंडीशन कोविड की है तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टिल बच्चों के लिए सिचुएशन है अभी तक के लिए अगर देखा जाए तो बच्चों के लिए एडजस्टेबिलिटी का जो इशू है वो यहाँ पर देखने को हो सकता है, क्योंकि ये कंडीशन बच्चे इससे आज तक पहले भी अवेयर नहीं है। तो इन माय ओपिनियन अगर देखा जाए, ठीक है, चलिए अगर मेरे ओपिनियन में देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन भी हो सकता था, लेकिन अब और कुछ नहीं हो सकता। सीबीएसई बोर्ड ने अपना सर्कुलर निकाल दिया है, अब बच्चों को बहुत तेज़ी के हिसाब से इसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा सिस्टम के हिसाब से, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि जिन लोगों को ये टर्म वन और टर्म टू का जो सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं, आप ये वीडियो पक्का शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। अब देखिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत प्यारा और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इन व्हिच ईयर द सीबीएसई बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, ये क्वेश्चन है, द सीबीएसई बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन व्हिच ईयर, ठीक है? इसका जो आंसर है वो आपको हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर स्टोरी में मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है उसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। होप यू लाइक द वीडियो और हमारी वीडियो को पक्का शेयर करें ताकि आपके जो भी दोस्त हैं वो इस टॉपिक से रिगार्डेड, जिनके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेरीज है, वो थोड़ी सी दूर हो सके। जय हिंद।